यस स्टार्ट करते हैं निमसेट 2008 पेपर का सॉल्यूशन। इसमें पहले मैं आपके साथ मैथ्स का सेक्शन कवर करूंगा और मैथ्स के सेक्शन में 2008 में 40 एक्चुअल क्वेश्चन आते थे। अब पैटर्न चेंज हो गया है और उस समय वेटेज भी सेम था। ये पेपर काफ़ी लेंथी था, टफेस्ट पेपर था, पर मैं आपको इस 40 में भी से 30 क्वेश्चन पहले वो निकाल के बताऊंगा जो आप इजीली कर सकते हैं। जिस समय 2008 का पेपर हुआ था बहुत लो कट ऑफ गया था, 20 प्लस वाले मैथ्स वाले बच्चों ने भी बहुत अच्छी रैंक अचीव की थी। अब इन पेपर्स का क्या पर्पज़ है? जैसे मैंने आपको नोटिफिकेशन के समय बताया था कि इन पेपर्स का सॉल्यूशन का पर्पज़ है, पेपर ही डिस्कस करूंगा कि आप समझ पाएं। कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन सिलेक्शन में कई बार मिस्टेक कर देते हैं, या हम सॉल्यूशन में मिस्टेक कर देते हैं, या हमारी स्टेप ज़्यादा होती है। तो ये जो मैं आपके साथ सेशन ले रहा हूँ, इन सेशन से सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आप अपने अटेम्प्ट बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आप में से कई लोगों ने बताया कि अभी भी मैथ्स में अटेम्प्ट कम हो रहे हैं। ऐसे में अटेम्प्ट कैसे बढ़ाएं, क्योंकि मैथ्स 600 मार्क्स का है और हमारा टारगेट होना चाहिए कि मैथ्स में 500 प्लस स्कोर करना, LR में 200 के आसपास स्कोर करना और फिर इंग्लिश उसमें, तो आप डेफिनेटली टॉप 100 में रैंक बना सकते हैं। पर 40 प्लस स्कोर कैसे किया जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। स्कोर करने के लिए जरूरी है कि हमारी डिसीजंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, यानी किस समय कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है, जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए। दूसरा, आप सब लोगों ने इंपिटस गुरुकुल के फाउंडेशन कोर्स से पढ़ाई की हुई है, बहुत अच्छे से टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, जो जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई अगर आप उसको बहुत प्रॉपर जब यूज़ करेंगे जब फायदा, अगर आप उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं करेंगे तो उसको नहीं आ सकता। तो मैं आपको, आप जब पेपर्स का सॉल्यूशन करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक वो चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ पढ़ाया हुआ, एक भी परसेंट कोर्स का ऐसा पार्ट नहीं है जो नहीं पढ़ाया है या आपके कोर्स में नहीं हो। इवन ये सारे क्वेश्चंस भी कवर किए गए, फिर भी हम कई बार अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारी स्टेप्स कई बार बहुत ज़्यादा होती है, हम लिखते ज़्यादा हैं। दूसरा, हमारा डिसीजन बहुत स्ट्रांग नहीं होता, जहां लगे कि क्वेश्चन लेंथी हो रहा है, इवन मैं आपके एंगल से ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन करूंगा, ये सोचते हुए कि आप यहां बैठे हुए, आप सबको दिख रहा है कि क्या चीज आपको आती हो क्या नहीं आती, ये दिमाग में रखते हुए आपको पेपर सॉल्यूशन दूंगा, आप समझ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है जिसमें स्टेप ज्यादा है, मैं उसको रीड भी बाद में करूंगा। एरिया अंडर कर्व है, थोड़ा टाइम लेता ही है। क्यों लेता है टाइम? क्योंकि पहले हमें ग्राफ बनाना होता है, फिर हम कॉमन पॉइंट निकालते हैं, कॉमन एरिया, भले ही एरिया का क्वेश्चन इजी हो पर फिर भी वो टाइम कंज्यूम करता है, तो हम इस क्वेश्चन को बाद में कर सकते हैं। तो ऐसे आपके डिसीजन होना चाहिए। तो अभी जो मैं आपके साथ सेशन शेयर करूंगा, ये सेशन से एक बात तो पक्की है कि आप अपने इस कोर्स में बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट ला पाएंगे। अभी अभी जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी सेशन बहुत यूजफुल है, बेनिफिशियल है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने बताया 45-50 कर रहे हैं पूरे पेपर, सर आपने जैसा बोला था कई बार सॉल्व कर लिए। अगर आप कई बार सॉल्व कर चुके होंगे तो आप आराम से 45 प्लस निकल जाएंगे, पर जिनके स्कोर अभी भी कम हो रहे हैं उनके लिए सेशन बहुत यूजफुल है। जिनके स्कोर्स ऑलरेडी 45 प्लस है उनके लिए कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आएगा कि क्या और टेक्निक्स है जिससे हम अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इस पेपर को पहले आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, मैंने जैसे बोला था, अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो क्या है, fx इज अ पॉलीनोमियल सेटिस्फाइंग, और साथ में मैं आपको कंसेप्ट भी बताता हुआ चलूंगा। कंसेप्ट मतलब पर्टिकुलर थ्योरी या पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वेश्चन या कोई चीज ऐसी लगेगी जो रिवाइज करवाना है, वो भी इस पेपर के साथ हम रिवाइज करते हुए चलेंगे, राइट? एंड गिवन क्या है, अब ये मेंटली करने वाला क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया, इक्वल टू 28 देन F4S। पेपर आपके पास है, मैं हर क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। अब सुनिए, जब भी कभी ऐसा लिखा हो Fx into F1 by x equal to Fx plus F1 by x, तो इसका जो फंक्शन होता है वो हमेशा ये वाली फॉर्म लेता है, x पावर n प्लस माइनस 1 या 1 प्लस माइनस x की पावर n, राइट? अब क्या होगा, क्योंकि जब आप इस तरह का कोई भी फंक्शन, जैसे आपने अगर ले लिया Fx equal to, अभी सॉल्व नहीं करना, x की पावर n प्लस 1, तो F1 by x हमेशा होगा 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो सेम रिजल्ट होगा, यानी ये एक स्टैंडर्ड चीज है। अब ये अगर आपको एग्जाम में पता होगी तो आपका टाइम बचेगा। तो जो जो स्टैंडर्ड चीजें आपको बताई हुई वो आपको ध्यान होना चाहिए, यानी लास्ट टाइम में जो पढ़ना है वो इन्हीं चीजों को रिवाइज करना है कि जो स्टैंडर्ड चीजें वो सब याद है कि नहीं। और वो कैसे पता चलेगा, वो पेपर को सॉल्व करने से पता चलेगा। अब देखिए, अब इसमें फंक्शन क्या है, अब F3 दिया है 28, इसको देख के हम समझ सकते हैं कि Fx होगा x क्यूब प्लस 1। मान लो ये 26 दिया होता तो क्या होता, x क्यूब माइनस 1। क्यों? क्योंकि x क्यूब प्लस 1, देखिए F3 रखिए, 3 का क्यूब 27 प्लस 1 28, अगर 26 होता तो माइनस, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 4 रख दें तो 64 प्लस 1 इज 65, ये आंसर आ गया। यानी ये सब मैंने आपको समझाने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं पेपर केवल सॉल्व नहीं करवाऊंगा,
पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ वो टेक्निक्स, वो स्टाइल्स, वो सब चीज़ें भी बताता चलूंगा जिससे कि आप अपने स्कोर्स को इम्प्रूव कर पाएं। तो यहाँ पर एक चीज़, अगर ये सब पता होता तो आप कितनी जल्दी कर सकते थे, यानी ये मेंटली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन देखें तो ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, पढ़ने में भी टाइम लगेगा। मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि इस क्वेश्चन को आप बाद में कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी देखें, थर्ड इजी है, बट फिर भी इसमें सेट बनेंगे, द नंबर ऑफ फंक्शंस पूछे हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हम इसको बाद में आएंगे। क्योंकि क्या होता है कि किसी क्वेश्चन को जिसमें ज़्यादा स्टेप्स लग रही हैं, अगर आपने उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश की तो हो सकता है सिंपल क्वेश्चन आपके आउट ऑफ टच हो जाएं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को अगर हम समझें, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला है 0 to π/2 dx अपॉन 1 + tan³x। अब ये सीधा आपको फॉर्मूला बताया, इसका आंसर क्या होता है, λ/2, तो आपने आंसर बोल दिया λ/2। अब क्या होगा, आपको अलग अलग सेट मिलते हैं, कई क्वेश्चन आगे कई क्वेश्चन पीछे होते हैं, ऐसे में हमारे लिए ये बहुत जरूरी होता है कि हम हर क्वेश्चन को देख पाएं, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएं। मैंने ये क्वेश्चन देखते ही बता दिया, आप सेकंड थर्ड छोड़ने से नुकसान नहीं हो सकता, उसके वजह से मैं तीन क्वेश्चन ज़्यादा कर लूँ। और सेकंड थर्ड पे भी जब आना है, जबकि हम पेपर एक बार मैच कर लें, रीजनिंग कर लें, फिर बचे हुए टाइम में हम टफ क्वेश्चंस पे आएंगे तो हमारे स्कोर्स में बढ़ाएंगे। दूसरी बात, एक बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए कि जैसे जैसे आप राइट बढ़ाते जाते हैं आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। मान लीजिए आपने टफ क्वेश्चन में उलझ गए स्टार्टिंग में, और उसमें जहाँ उलझे तो आपका मॉरल डाउन हो सकता है, इवन जो चीज़ आती है वो भी गलत होने लगती है। इसलिए स्टार्टिंग के एक घंटे में बिल्कुल बहुत ही डिसिप्लिन पेपर देना चाहिए कि वो करें जो आपको आता है, उसके अलावा कुछ भी ना देखें और बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से करते चलें, यही सबसे अच्छी टेक्निक है। यस, तो अब ये आपको पता है सीधा λ/2 कौन सी प्रॉपर्टी, ये पढ़ी हुई हमने, 0 to a अगर इस फॉर्म में हो fx/fa-x, तो इसका आंसर डायरेक्टली होता है λ/2। अब देखिए tan था, मेथड तो मैं बताने के लिए कि अगर आप में से किसी ने ये रिवाइज नहीं किया तो जस्ट फॉर, तो 0 to π/2 अगर साइन कॉस में चेंज कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा। देन कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a fa-x प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये कॉस साइन हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 1 मिलेगा, 2i = π/2, देन i = π/4, पर इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट? ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्या है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जरा समझें और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है द इंटीजर एन फॉर विच लिमिट x→0 cos x - 1 cos x - e^x / x^n इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर इज, मतलब आपको बताना है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही तो n की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले लिमिट है, लिमिट में मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट बताए हैं, लॉजिक्स बताए हैं, ट्रिक्स बताए हैं, वो सब यूज़ करो। तो पहले तो मैं आपको बिना स्टेप के बताऊंगा क्या करना है। अब यहाँ पर e^x होने से हमें क्या करना है, यहाँ पर हम फार्मूला चाहें तो लगा सकते हैं बट उसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक्सपांशन सीरीज यूज़ करें, मैं अभी आपको पूरा बताता हूँ। तो अगर cos x की एक्सपांशन सीरीज यूज़ करेंगे तो 1 - x²/(2+x4)/4 ऐसी मिलेगी, ये -1, समझिएगा। यहाँ पर लगाएंगे cos x की तो 1 - x²/(2+x4)/4 एंड -e^x की सीरीज लगाया तो 1 + x²/(2)/(x)n। अब समझिएगा ये 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर इस 1 से 1, यहाँ पर इस पूरे में x की सबसे लीस्ट डिग्री है x, यहाँ पर x² अगर मल्टीप्लाई करूँ तो x³, तो नीचे फाइनाइट आने के लिए x³ होना चाहिए, यानी n की वैल्यू हो गई 3, तो आंसर विल बी 3। अब क्या होता है, ये पेपर में लिखा होगा क्वेश्चन, आपने एक सिंगल स्टेप लिखी, आंसर दे दिया। अब आप स्टेप्स बढ़ाए जा रहे हैं, सपोज इसको एलोस्पिटल से करते तो उलझ भी सकते थे, तो जब आप स्टेप बढ़ाते जाते हैं तो फिर आपका टाइम भी खर्च होता है और उलझ भी जाते हैं, ये सारी चीज़ें डेवलप करनी है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, मान लीजिए आपको एग्जाम के समय, अभी जब आप पेपर दे रहे हैं, क्योंकि आपने पेपर पहले डाउनलोड किया होगा, अगर आपने टेक्निक्स से नहीं किया तो आप क्या क्या रिवाइज करेंगे। जैसे इसमें एक्सपांशन सीरीज लगी तो नॉट ओनली कि साइन कॉस की एक्सपांशन सीरीज याद करें, सारी याद कर लें, जैसे कि e^x की सीरीज क्या होती है, 1 + x/(1), x²/(2), x³/(3) एंड सो ऑन। e^-x की सीरीज क्या होती, तो 1 माइनस आ जाता है,
यहाँ पर ऑड टर्म है, राइट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रिवाइज करते हुए चलना है। सपोज लॉग वन प्लस एक्स की सीरीज है तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स फोर बाय फोर। लॉग वन माइनस एक्स की सीरीज है माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री। एनालिसिस भी पेपर का कैसे करना है वो बताता हूँ। जब मैं बोलता हूँ एक पेपर के एनालिसिस में लगने थी 3-4 घंटे, तो इसका मतलब ये होता है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो चीज़ें लग रही है वो सब रिवाइज कर लो, पता भी नहीं चलेगा, पूरी मैथ्स का रिवीजन हो जाएगा। एक पेपर पूरा मैथ्स रिवीजन, एक पेपर पूरा मैथ्स रिवीजन, अपने आप आपके टॉपिक्स पे कमांड आएगा। अब बात करते हैं जैसे साइन एक्स की सीरीज क्या होती है, वन माइनस सॉरी साइन एक्स है तो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री, एक्स फाइव बाय फैक्टोरियल फाइव। इनका भी बहुत यूज होता है। मान लीजिए कॉस एक्स की सीरीज है तो वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू, एक्स फोर बाय फैक्टोरियल फोर एंड सो ऑन। मान लीजिए टेन एक्स की सीरीज है तो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री, सॉरी टेन एक्स है तो एक्स प्लस वन बाय थ्री एक्स क्यूब प्लस टू बाय फिफ्टीन एक्स पावर फाइव एंड सो ऑन। तो ये सब रिवीजन करते हुए चलें। देखिए अभी मैं पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें करूँगा तो फिर हमारा टाइम, पर आपको ये करना है तो मैं आपको ये टेक्निक्स बताता हूँ चलूँगा। आप खुद देखेंगे कि टफेस्ट पेपर में भी, इन टफेस्ट पेपर में भी आप 30 प्लस कर सकते हैं, 40 प्लस कर सकते हैं, तो इजी पेपर में तो आप पूरा 100% कर सकते हैं। वही एक चीज़ है जो डिस्कस करनी है, और स्टार्ट इसलिए सबसे पहले उस पेपर से किया जो लेंथी है, फिर बाद में हम एक कॉम्बिनेशन रखेंगे सिंपल टफ और मीडियम। ये तीन ऐसे पेपर जरूर डिस्कस करेंगे जिससे आपको आइडिया लगे कि करना क्या। आप देखिए इसमें अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक बार फिर समझाता हूँ कि अल्टीमेटली हुआ क्या था। आपने इसकी सीरीज लगाई, ये माइनस वन है, आपने इसकी सीरीज लगाई और इसकी लगाई अपॉन एक्स पावर एन। अब आपने क्या किया होगा बताइए, तो अब आपने यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मिल गया, चाहो तो एक्स स्क्वायर इसका बाहर निकाल सकते हो, तो आपको मिला माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल फोर, ऐसा मिला। यहाँ पर इस एक्स को बाहर निकाला तो एक्स क्यूब हो गया, और फिर मिलेगा कितना, यहाँ मिला होगा आपको माइनस एक्स स्क्वायर, पूरे में से निकाल लिया तो माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल फोर ऐसा, और इधर से मिला होगा ये एक्स निकल गया वन अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन। अब एक्स की लिमिट क्योंकि हमें दिए जीरो, तो अगर हम जीरो रख दें तो ये सब जीरो हो जाएगा, तो ये बच जाएगा ये बच जाएगा, तो इसका मतलब ये थ्री है तो ये भी थ्री होगा जब भी ये पॉसिबल होगा फाइनाइट इंटरवल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। देन क्वेश्चन नंबर अगर हम सिक्स पे आएँ तो एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है, अगर आप इसको बाद में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और अक्सर ये होता है जो भी सेट मिलता है उसमें स्टार्टिंग में 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कई बार उलझाते हैं, वो स्टार्टिंग में पेपर में ही ऐसा होता है कि उलझ सकते हो आप, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप उन क्वेश्चंस को पहले देखो जो इम्पॉर्टेंट हैं। अब जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर देखें सेवन्थ, तो सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, सेवन्थ क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस साइन 2x, एक्स बिलोंग टू 0 टू 2π हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम बोला है, ऑप्शन क्या दिए, पाई बाई 3, पाई पाई बाई 3, पाई बाई 3, पाई, पाई पाई बाई 3, पाई, नन ऑफ दिस, राइट। आपको इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम बताना है। अब थोड़ा सा लॉजिक से क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी होगा। 2 साइन एक्स प्लस साइन 2x अकॉर्डिंग टू रूल तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करके, बट मैं अगर लॉजिक से देखूं तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना 0 से 2 पाई में। आप बताइए अगर मैं इसमें पाई रख दूं तो क्या होगा, पाई रख दिया तो 0 और पाई बाई 3 रख दिया तो ये पॉजिटिव मिलेगा। पर एक चीज़ बताइए कि अगर एक 0 आ रहा है और अगर मैं 5 पाई बाई 3 रखने को बोलूं तो 5 पाई बाई 3 मतलब हो गया 300 डिग्री, तो 300 पे ये भी निगेटिव और 600 ये भी निगेटिव, तो इसका मतलब हमें निगेटिव भी आंसर मिलेगा और पाई बाई 3 पे पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिल रहा है तो लॉजिकली दें तो ये आंसर, लॉजिक मैं इसे कहता हूँ, लॉजिक इसे कहता हूँ मैं कि आपने बिल्कुल श्योरली बोल दिया कि ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते तो बचा हुआ ए। अब इसमें नन जरूर है पर आप इतना चांस तो लेना चाहिए क्योंकि आप कंसेप्चुअली अगर पढ़े होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए क्या होगा जब पाई बाई 3 रखेंगे तो 2 इंटू रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2, राइट, इसका मतलब 3 रूट 3 बाई 2 मिला। अच्छा जब आप निगेटिव 5 पाई बाई 3 लेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो देखिए क्या मिल गया, माइनस 3 रूट 3 बाई 2।
अब पाई रखने पे क्योंकि जीरो हो रहा था और जीरो से छोटा आंसर मिल रहा है, इसका मतलब ये दो आंसर हो ही नहीं सकते थे, तो आपने लॉजिकली बता दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करते तो भी टाइम लगता, और डिफरेंट क्योंकि डिफरेंशिएट करते तो पहले ऑप्शन से वैल्यू निकालते, फिर मतलब डिफरेंशिएट करते फर्स्ट डेरिवेटिव से वैल्यू निकालते एंड देन सेकेंड डेरिवेटिव पे वेरीफाई करते या फिर उसको रूट्स को रख देते, पर इन सब की जगह आप ये कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डिफरेंशिएशन करते तो क्या होता, एफ डैश एक्स टू कॉस एक्स प्लस टू कॉस टू एक्स, राइट। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, टू कॉस एक्स प्लस इसके फैक्टर बना लीजिए, मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हो टू इंटू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये कॉस की क्वाड्रेटिक बनेगी, इससे रूट्स निकलेंगे, आपको एंगल मिल जाएगा, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए पहले सिंपल क्वेश्चन एक बार कर लो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है इफ y इक्वल टू sec इनवर्स। अब ये क्वेश्चन ये देखिए, जब मैं कोई क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूं तो आप एक चीज दिमाग में रखना कि आपके पास ये पेपर में आपको ये स्टेप नहीं लिखनी है, x नॉट इक्वल टू 1 और dy बाई dx पूछा। अब ये क्वेश्चन आप बिल्कुल स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0, राइट। ये क्वेश्चन नहीं लिखना, ये पेपर में लिखा आपको सीधा ऑप्शन लगाना, यानी ये भी एक चीज है कि स्टेप्स लिखना बहुत कम करनी, जितनी स्टेप सेव करोगे उतना आपका फायदा होगा। अब यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगा है, आपको पता है यहाँ पर सिंपल साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई टू, एक और बात सेक इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स वन बाय एक्स। लॉजिकली अब ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये कॉस इनवर्स ये दिया हुआ था एंड दिस इज साइन इनवर्स, ये हो गया कितना पाई बाई टू। पर आप सोचिए मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, अगर मैंने ये और ये स्टेप लिखी और इसके बाद डिफ्रेंशिएट किया तो इस स्टेप को लिखने में मुझे ओवरऑल 40 सेकेंड लगे, ये 40 सेकेंड सेव करा। ऐसे 2-3 क्वेश्चन में 47 सेव करे, यानी आपको एक बात समझ के चलो कि इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर 3 क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन को बढ़ा सकते हो, तो हमें क्वेश्चन को भी बढ़ाना है, हमें कंसेप्ट भी बिल्ड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या है, टू इवेंट ए एंड बी सच दैट पी ए दिया पी बी दिया पी ए इंटरसेक्शन बी दिया पी बी बाय, इसमें थोड़ा से फॉर्मूले लगेंगे, देखते हैं बाद में प्रोबेबिलिटी के पूरे फॉर्मूले, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इजीली कर सकते हैं, पर हम इसको अभी बाद में आएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर, देखिए 10th क्या है, इफ वाई इक्वल टू एम एक्स बाइसेक्ट, एक इक्वेशन दी है यानी एक एंगल बाइसेक्टर की है, टाइम लग सकता है, लीव दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11th पे आइए, यही एक चीज है जो आपको डेवलप करनी है, मैं ये क्यों कर रहा हूं, ये मैं आपको करवा सकता हूँ, ऑलरेडी करवाएं पर अभी नहीं, जब हम एक्शंस के साथ कर रहे हैं एनालिसिस में सब करना है, पर जब आप पेपर दे रहे हैं तो उस समय वो करना है जिसमें टाइम कम लगे। आप देखिए क्योंकि हमें सिंपल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, 11th पे अगर हम आए तो क्या एफ सच डेट रियल टेंस टू रियल एंड जी सच डेट रियल, ये सब केवल लिखा है क्वेश्चन में, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, ये मैं स्केलिंग भी कर रहा हूँ और सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन। अच्छा ये ध्यान दें, अब माइनस ए टू प्लस ए में एफ एक्स डी एक्स टू टाइम भी होता है, जीरो टू ए ये समझाने के लिए लिखा, आपको नहीं लिखना या जीरो होता है, ये कब इवन ये कब ऑड, ऑड मतलब क्या होता है एफ माइनस एक्स, डेफिनेट की प्रॉपर्टी जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, और इवन मतलब सेम मिले, ये ऑड की कंडीशन है ये इवन की कंडीशन है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर मैं यहाँ माइनस पुट करूँगा तो ये मिलेगा एफ माइनस एक्स प्लस एफ प्लस एक्स, तो ये तो सेम मिला, यहाँ करा तो जी माइनस एक्स माइनस जी प्लस एक्स, माइनस कॉमन लोगे यानी ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है तो आंसर विल बी जीरो। देखिए पहले ऐसे क्वेश्चन ढूंढना जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन समझना जरूरी है, फिर तो आप कर ही लोगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12th पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12th में क्या बोला, देखिए क्वेश्चन नंबर 12th में बोला, अभी तक हमने केवल 4 क्वेश्चन छोड़ा, यानी 8 क्वेश्चन बन गए जो टफ पेपर आप कहते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा एन इक्वल टू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताना वेयर, आपको गिवन भी है कि अल्फा जो है अल्फा 1 अल्फा 2 ये सभी सभी 0 से पाई बाई 2 में। अच्छा 0 से पाई बाई 2 लिखने का फायदा ये हुआ कि ये सभी पॉजिटिव ही रहेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव। अब कैसे निकालोगे, कंडीशन भी दी है cot अल्फा 1
cot alpha 2, cot alpha 3 up to cot alpha n equal to 1. अब ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इतना पूरा पेपर में लिखा हुआ है, यानी ये आप कहीं पे साइड में ना लिखें। ये भी एक कॉमन मिस्टेक होती है, जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो हमें क्वेश्चन को जो दिख रहा है वही हम फिर से नीचे लिखने लगते हैं, ये टाइम भी हमारा कहीं ना कहीं किल कर रहा है। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिसको डेवलप करना है, सब कुछ आना चाहिए, साथ में टेक्निक्स भी आना चाहिए कि क्वेश्चंस में कैसे स्कोर बढ़ाएं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि कॉट अल्फा वन, कॉट अल्फा टू, कॉट अल्फा थ्री वन है, तो एक सबसे अच्छा एंगल, कोई भी एंगल मत सोचो, ये मत सोचो ये वन बाय रूट थ्री ले लूँ और ये थ्री ले लूँ, रूट थ्री ले लूँ, नो, सीधा 45 अगर लें तो 45 वन ही होगा, और क्यों ना 45 यहाँ रख दूँ तो 1/√2 यानी 1/√2 की पावर n या 1/2 की पावर कितना हो जाएगा n/2। दिस इज द राइट आंसर। दिखने में भले ही बड़ा क्वेश्चन था पर बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्वेश्चन बिल्कुल पहले राउंड में किया जा सकता था। क्या क्वेश्चन है 13 देखिए जरा। लेट, बहुत ही एनर्जी के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ पेपर करिए। लेट एम बी अ पॉइंट, एम बी अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। अब एम अगर इनसाइड द ट्राइंगल है, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, थोड़ी देर के लिए एम मान लीजिए, यहाँ पर सेंटर राइट भी ले सकते हो कहीं पे भी, ये ज्वाइन कर लिया। अब एक कंडीशन दिए ए बी प्लस ए सी, ऑब्वियसली ग्रेटर देन क्या होगा बी एम प्लस, मतलब एम बी दिया है, एक ही बात है, एम बी प्लस एम सी, बिल्कुल ठीक है, आपको दिख रहा है ये तो इनसाइड पॉइंट है, ये ट्राइंगल इसकी साइड की लेंथ इससे कहीं ज़्यादा होगी अगर सेंटर राइट के कंसेप्ट से देखें तो, इसका करेक्ट आंसर हो गया, उलझने की जरूरत ही नहीं है इसमें करने की कुछ भी। अब 14 क्वेश्चन देखें तो ये रोटेशन वाला है कोऑर्डिनेट का, इसको आप बाद में करिए जिससे आपका टाइम बचे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब 15 क्या है वो समझाता हूँ और कंसेप्ट भी बताता हूँ। 15 क्वेश्चन में बोला है इफ ए बी आर रूट्स ऑफ, ए बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स हैं ए बी, सी डी रूट इसके दिए हैं एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस सी बी माइनस सी ए प्लस डी बी प्लस डी इज, इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ इस ढंग के ऑप्शन है, मैं क्योंकि इसको लॉजिक से बताऊंगा इसलिए जहाँ लगता है वहाँ मैं ऑप्शन भी लिख रहा हूँ, क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, क्यू स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर एंड नन ऑफ दिस, राइट। अब हम समझें, इस इक्वेशन के रूट ए बी है, इस इक्वेशन के रूट सी डी है, आपको बोला है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब एक तरीका ये कि आप इसको मल्टीप्लाई करके कंसेप्ट ऑफ रूट निकाल लें, पी क्यू की वैल्यू ले लें, और एक और बात बोलिए कि पी और क्यू और पी और क्यू इक्वल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं मान लो थोड़ी देर के लिए जैसे ये ले लूँ एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, या प्लस पी की वैल्यू टू भी ले लेते तो भी चलता, माइनस टू ली वो भी चला, तो ये हो गया x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू वन वन, यानी a का वैल्यू भी वन हो गया, b का भी वन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करें, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार काम आती है, इसको तो आप याद ही रख लें अच्छा रहेगा, कभी भी इस फॉर्म की इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो इसके रूट जो होते हैं वो हमेशा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसके रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं, ये कंसेप्ट ऑलवेज आपके लिए यूजफुल है। तो यहां पर अगर मैं थोड़ी देर के लिए क्यू को वन ही ले लूं, क्या दिक्कत है, तो इसके रूट हो गए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि पी और क्यू को इक्वल नहीं लेना हमें। अब आप रखिए जरा, यहां पर आ जाइए, वन माइनस ये इसको सी ले लीजिए, इसको डी ले लीजिए, क्या दिक्कत है, तो वन माइनस ओमेगा बी की जगह वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस डी वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट। ज़्यादा अच्छा, एक नई टेक्निक भी बता रहा हूँ मैं आपको कि ये भी तरीके हो सकता है, अब इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ये टेक्निक्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होने वाली हैं, जीरो, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा
स्क्वायर एंड दिस इज माइनस ओमेगा, यानी ये ओमेगा क्यूब हो गया, वन हो गया, उसकी कहानी खत्म हो गई। ये ओमेगा क्यूब है राइट, तो ओमेगा क्यूब वन, वन प्लस वन कितना टू, माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना माइनस ऑफ वन, और वो वन हो गया, तो ओवरऑल कितना मिल गया आपको थ्री, ओवरऑल कितना मिल गया थ्री। अब ऑप्शन में रख के देख लीजिए कि थ्री कौन सा दे रहा है। तो सपोज आपने रखा, अब आपके पास p की वैल्यू आपने ली है टू और q की वैल्यू वन ली, तो फोर माइनस वन कितना होता है थ्री, तो आपको आंसर मिल गया राइट, यानी आपको आंसर मिल गया। एक चीज और एक मिनट देख लीजिए, ये कितना हो गया है वन माइनस ओमेगा, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर ठीक है, तो वन माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। अच्छा इससे कितना मिला था a प्लस डी, तो a प्लस डी यानी वन प्लस ओमेगा, और b प्लस डी यानी वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहां मिला माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज माइनस ऑफ ओमेगा ओके। तो ये मिल गया आपको वन प्लस वन टू, माइनस कॉमन ले लो तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस वन हो जाएगा और ये वन हो गया, तो टू माइनस 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 प्लस वन तो थ्री। अब ये जो वैल्यू आपने निकाली है वो रख के देख लीजिए, तो आपने जब p की जगह रखा कितना, p आपने लिया है माइनस टू और q लिया है आपने वन, तो आपने रखा तो पी स्क्वायर माइनस की स्क्वायर इक्वल टू राइट आंसर राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इस तरह से आप वैल्यू लेके करते चलें, क्वेश्चंस कंसेप्ट बनाते हुए चलें, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनेंगे। ऐसे में एक आध दो क्वेश्चन बाई चांस रॉन्ग हो जाए कोई बात नहीं, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपके 10-15 रॉन्ग हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उस पर एक वर्क करना जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखें तो क्या है, एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स इक्वल टू टू दिया। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही कॉमन है, और आपको गिवन है एफ वन अपॉन 2001 प्लस एफ टू अपॉन 2001 प्लस एफ 2000 अपॉन 2001 इज राइट। अब बोला है ऑप्शन ए 2000, बी 2001, इस तरह के ऑप्शन है। सबसे पहले एक बात ध्यान दें, ये टोटल 1 2 अप टू 2000 है और एक कंडीशन ये दी हुई है। अगर आप ध्यान दें तो ये ऐसे ही लिखा हुआ है एफ वन माइनस वन अपॉन 2001, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। इसका मतलब ये अगर x मान लो थोड़ी देर के लिए तो ये अपने आप ही 1 माइनस एक्स हो गया, यानी टोटल 2000 पेयर थे, 2000 फैक्टर थे और 2-2 का एक फैक्टर बन रहा है, तो 2 इंटू 1000 क्योंकि 1000 पेयर बन गए, तो आंसर इज 2000 राइट। क्या हुआ, फर्स्ट और फर्स्ट लास्ट ऐसे आपको पेयरिंग करनी है इसकी, फिर सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट, इस तरह से पेयरिंग करनी है, तो आपको अपने आप ही क्वेश्चन बन जाएगा ये, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, क्या क्वेश्चन है 17 देखते हैं जरा। देखिए 17 क्वेश्चन में बोला है सपोज ए बी सी आर इन ए पी, मतलब अगर ये ए पी में है तो ए पी में, तो ऑब्वियसली टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होगा। अब बोला है विथ कॉमन डिफरेंस डी, देन ई पावर वन बाय सी, ई पावर बी अपॉन ए सी, ई पावर वन बाय ए आर एन। नॉर्मली ये ई के पावर में, देखिए अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। सबसे पहले जब भी इस टाइप का हो जिसमें बेस के ऊपर वो वेरिएबल वो ए बी सी है, तो ऐसे में अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ लेट दिस इज जी पी, मान लो इसे मैं जी पी मान लूँ, तो जी पी का कंसेप्ट क्या होता है, ए बी सी अगर जी पी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो इसका मतलब ई पावर टू अपॉन टू बी अपॉन ए सी इक्वल टू दिस इन टू दिस। अच्छा क्या हुआ, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, इसका मतलब टू बी अपॉन ए सी इक्वल टू वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन ए, यानी टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। देखिए ए बी की कंडीशन आ गई, इसका मतलब ये टर्म किस में है, ए पी में है राइट। ये सॉरी ये इससे इसको जी पी मानने से ए पी मिल रहा है, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, जी पी में है राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए और मैं पूरा कोशिश करूंगा कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कोई आंसर गलत ना हो, पर बाई चांस कैलकुलेशन
कंसेप्चुअली मैं आपसे बिल्कुल श्योर हूं कि जो बताऊंगा सब सही होगा। आंसर्स में कभी ए बी अगर मैं बोल जाऊं बता आपको सब सही रहा हूं, कई बार ऐसा होता है, तो आप ध्यान रखना आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आंसर्स पे देखना। जैसे पिछले क्वेश्चन का आंसर जीपी है। अब 18 क्वेश्चन देखें हम, तो देखिए क्या है। लेट अल्फा बीटा, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अभी देखिए बाई चांस ये ट्रिक बताई थी, ये बहुत काम में आता है। इसके रूट हमेशा ही ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं, यानी अल्फा हो गया ओमेगा, बीटा हो गया ओमेगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गया। अब बोला था इक्वेशन हुज रूट्स आर, ऐसी इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स अल्फा पावर 19 और बीटा पावर 7। कुछ भी लिख सकते थे यहाँ, पावर ही तो बहुत छोटी है। तो अल्फा क्या, ओमेगा, अच्छा ओमेगा क्यूब होता है 1। बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स आना जरूरी है, निम्न सेट में कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर मैंने अपने कोर्स में वो कॉम्प्लेक्स दिया इसलिए कि बेसिक कॉम्प्लेक्स आना जरूरी है, बेसिक आयोटा की प्रॉपर्टी, बेसिक ओमेगा की प्रॉपर्टी। अब ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा पावर 3n 1, ओमेगा पावर 3n प्लस 1 ओमेगा, ओमेगा पावर 3n प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब ओमेगा अल्फा पावर 19 किसके इक्वल होगा, ओमेगा पावर 19 यानी ओमेगा के। बीटा पावर 7 मतलब ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, ओमेगा स्क्वायर बचा, यानी वही रूट मिले जो यहाँ थे, अक्सर इसमें यही होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर भी वही होगा जो पिछला क्वेश्चन है, मतलब जो दिया हुआ था, राइट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्या 19 है क्वेश्चन, समझें जरा और कंसेप्ट बनाए उसका क्वेश्चन का। तो 19 नंबर के क्वेश्चन में बोला है इन द एक्सपांशन। अब देखिए आपने देखा आगे के 3-4 क्वेश्चन लेंदी थे, टफ नहीं थे, लेंदी थे, उनको मैंने छोड़ दिया। पीछे के क्वेश्चन कैसे आते जा रहे हैं लाइन से, हमको कोई क्वेश्चन अभी तक स्केप नहीं करना पड़ा, क्यों, यही एक चीज़ होती है और हर सेट में ऐसा होता है। तो आपको अभी ये चिंता नहीं करना है कितने छूट रहे हैं, ये चिंता करना है कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं। और लास्ट टाइम में अगर आप इस प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे तो बिल्कुल पक्की बात है कि आप अच्छे स्कोर्स की तरफ जाएंगे। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 19 पे समझें। तो ये बोला है x प्लस 1, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 16 अप टू एक्स प्लस 400, द कोफिशियंट ऑफ x पावर 19। याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, बहुत ही सिंपल टेक्निक्स होती है। अगर आप देखें इसकी बिल्कुल सिंपल टेक्निक्स हैं, ये 1 है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 इसके बाद होगा, ये 9 होगा, मैंने गलत लिख दिया, 9 3 का स्क्वायर, फिर होगा x प्लस 16, ऐसा 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर अब 2 कहाँ तक, 20 के स्क्वायर तक, राइट। अब इसका मतलब 20 फैक्टर है, तो x की पावर 20 के बाद नेक्स्ट टर्म जो होगा वो होगा x की पावर 19, जो डायरेक्टली इनका एडिशन होता है। क्या कंसेप्ट है अभी समझाता हूँ, दिस इज 400, ये 20 का स्क्वायर है, यानी आप इसका समेशन करेंगे सिग्मा एन स्क्वायर से, जो कि होता है एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 बाय 6। तो क्या हो जाएगा 20 21 40 41 बाय 6, मतलब 3 × 2, ये कैंसिल 7 टाइम, ये कैंसिल 10 टाइम। बस अब आपको करना इतना है कि इसको ही मल्टीप्लाई करना है, यानी 2870। अब कंसेप्ट समझ लीजिए कि इसमें तीन तरह के टाइप बनते हैं। जब भी कभी ऐसा दिया हो, जैसे मान लो मैं बोलूं कि x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 अप टू x प्लस 100 मान लो, तो ये 100 टर्म है, तो इसमें सबसे पहले मिलेगा x की पावर 100, फिर जो x की पावर 99 आएगा वो सीधा कांस्टेंट का एडिशन होगा सीधा, यानी सिग्मा 100, और एक कांस्टेंट टर्म जो अगर पूछा जाए तो 1, 2, 3 अप टू 100, यानी फैक्टर 100 लिख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस का करने का ये सिंगल सिंपल सा मेथड है। अब आते हैं देख क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्या क्वेश्चन है देखिए 20। तो पेपर में सिंपल टफ हर तरह का पेपर होता है, आप जो पेपर दोगे इसमें कुछ क्वेश्चन लेंदी हो सकते हैं, कुछ बहुत सिंपल हो सकते हैं, कुछ मीडियम लेवल के। तो आपको पहले राउंड में सबसे सिंपल और मीडियम लेवल के क्वेश्चन करना है, हायर लेवल टफेस्ट क्वेश्चन जो हैं टाइम कंज्यूमिंग बेसिकली, क्योंकि पढ़ाया सब कुछ है तो बनेगा सब, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन में सबसे बाद में आए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 20 देखें तो क्या दिया हुआ है, वाई इक्वल टू 0.36 लॉग बेस 0.25 1/3 स्क्वायर अप टू इनफाइनिट। सबसे पहले ध्यान रखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसकी पहली स्टेप मेरी क्या होना चाहिए आपकी वो समझे। ये ऐसा दिया है 36/100 लॉग 1/4, ये इनफाइनाइट जीपी है जिसका समेशन ए अपॉन 1-r होता है, तो 1/3 अपॉन 1-1/3 यानी कितना बचा 1/2। ये ही स्टेप आपकी सबसे पहली होनी चाहिए थी, क्वेश्चन पेपर में है, आपकी स्टेप में पहला ही आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, आपने पढ़ा है लॉग mm1 होता है, लॉग m पावर n p पावर q इज q बाय n लॉग mp। तो 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर, यस और नो? अब ये भी 1/2, ये भी 1/2, 2 आगे चला गया, तो 36 × 2/100 खत्म। 36 अच्छा वो भी अपॉन में आएगा, याद रखिए, तो अपॉन में 2 आएगा, तो अपॉन में 2 आया तो 18/100 देखिए मैसेज से 0.18। जो कोफिशियंट की पावर होती है वो मल्टीप्लाई में, जो बेस की पावर होती है वो अपॉन में आती है, यानी कितना बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी पे है। अब ये बेसिक क्वेश्चन छूट गए तो आपको बाद में बहुत अफसोस होगा कि मैं गलत कर गया पेपर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में समझें तो ऐसे वैल्यू लेके भी कर सकते हैं, वो वैल्यू लेके ही करना चाहिए। क्या क्वेश्चन है सुनिए, इफ H1, H2, H3 अप टू HN आर N हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B, A और B के ये N हार्मोनिक मीन है, क्यों ना यहीं कहीं कर लिया जाए, देन द वैल्यू ऑफ H1 + A / H1 - A + HN + B / HN - B। अब ऑप्शन कुछ इस ढंग के दिए हैं, तो क्या करोगे इसमें? तो देखिए सिंपली पहले समझें, चाहे तो हम एक बात, एक वैल्यू तो ये होती है 2, 3, 6, इसमें पर एक ही एच आया वो ये हो गया, ए ये हो गया, बी ये हो गया, इससे हो सकता है दो ऑप्शन मैच कर जाएं, तो दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे तो हमारे पास एक कंसेप्ट है 2 + a की वैल्यू 2 + 3 / 3 - 2 + 3 + 6 / 3 - 6। देखिए ये कितना हुआ 5, ये हो गया 9 - -3 = -2, तो ये आ गया 2। अब n क्योंकि एक ही हार्मोनिक मिल लिया तो n की वैल्यू 1 रखो, तो 2 ये भी है, 2 ये भी, ये दो रिजेक्ट, पर हमारे काम नहीं आ रहे तो हम एक काम ये कर सकते हैं, 4 टर्म ऐसे ले लो 1, 1/2, 1/3, 1/4, यानी a हो गया 1, b हो गया 1/4, H1 1/2, H2 1/3, और इस समय n कितना है 2 है। अब आपको यह कंफर्म हो गया कि कौन सा आंसर होगा, तो देखो क्या करोगे, 1 + a है 1 + 1/2 / 1 - 1, राइट 1/2 H1 1/2, फिर इधर आओ 1/3 + 1/4 / 1/3 - 1/4, देखिए ये मिल गया 3/2, ये मिल गया -1/2, प्लस ये मिल गया 4 + 3 = 7/12, ये मिल गया 4 - 3 = 1/12, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये मिला एक तरह से -3, ये मिला +7 आ रहा है 4। अब n की जगह 2 रखो, तो 2 रखने पे ये 3 हो रहा है, ये रिजेक्ट, तो बचा हुआ 2 × 2 = 4। यानी आप क्वेश्चन को टेक्निक के साथ सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत टाइम बचेगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी कर पाएंगे, क्लियर है बात। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब 22 में फिर थोड़ा सा लॉग का बेस वाला है, टाइम लग सकता है सॉल्व करने में, देख के समझ में आ जाता है, क्वेश्चन को आप इतनी जब प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे जो आपने साल भर पढ़ा है उससे आपको ऑब्जर्वेशन, इसलिए आपको वहाँ पे फाइट नहीं करनी पेपर के समय, बन जाएगा, बन तो जाएगा, पर इससे दो क्वेश्चन कम ना हो जाए, वो इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए लगातार 7-8 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आया जिसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। 23 है, एन 8-डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9 इज टू बी फॉर्म यूजिंग 8 डिजिट, आउट ऑफ द डिजिट 0, 1, 2,
up to 9 without replacement, the number of way in which this can be done, ठीक है, and 8 digit number बनाना है, पहली चीज, divisible by 9. अब 9 से जो number divide होते हैं, पहले तो आपको 8 digit का number बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 0 से लेके 9 तक लेना, अगर मैं इसको add करूं तो 9 into 10 by 2, यानी 45, यानी आपको पता है जो number 9 से divide होते हैं, उनका सम डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए. जो नंबर 3 से डिवाइड होते हैं उनका सम डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए. जो नंबर 4 से डिवाइड होते हैं उनके लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होते हैं. जो 8 से होते हैं लास्ट 3 डिजिट. ये चीजें इसी समय रिवाइज कर लें जिससे आप स्कोर बढ़ा पाए. तो अब यहां पर अगर मैं देखूं तो आप मुझे बताइए कि हमको 8 नंबर लेना है, 2 नंबर्स छोड़ने, तो वो 2 नंबर ऐसे होना चाहिए जिनका सम भी 9 का मल्टीपल हो, क्योंकि अभी ये पूरे नंबर्स 45 है, ठीक है. तो अब ये 2 नंबर्स हम क्या-क्या छोड़ सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है. तो आप 2 नंबर्स के कॉम्बिनेशन देखते हैं. नंबर 1 कि हम 0 और 9 को ही छोड़ सकते हैं. 1 8 2 2 7 3 6 4 5 बस. और याद रखना, अब आप इसमें गलती ये मत कर देना 8 1 7 2, क्योंकि ये तो छोड़ दिए, इनको अरेंज नहीं कर रहे हैं आप, अरेंज इनको नहीं कर रहे हैं, इनको छोड़ने के बाद. अब जीरो वाला केस में मैंने आपको परम्यूटेशन के समय क्या बताया था, बी केयरफुल, हमेशा मिस्टेक जीरो वाले केस में होती है. जीरो वाले केस को स्केप कर दें, मतलब जीरो वाले केस को एक बात समझें, तो केस नंबर 1 कि यूनिट जीरो तो आएगा ही नहीं. अब जीरो आएगा नहीं, जीरो 9 छोड़ दिया आपने, तो बचे हुए 8 नंबर वही के वही रहेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी फैक्टोरियलेट. अब केस नंबर 2 3 ये सब एक साथ हो जाएंगे. इसमें किसी एक एग्जांपल को ले लें, मान लो 1 8 को लिया मैंने, क्या होगा आप खुद ही बोलेंगे कि पहले प्लेस पे 1 8 तो छोड़ दिया आपने, ठीक है, 1 और 8 छोड़ दिया है, 0 आ नहीं सकता, तो कितने नंबर हो गए कम, 2 छोड़े हो, 0 आएगा नहीं, तो पहले प्लेस के लिए 7. पर अगले प्लेस पर बोलिए, अगले पे 0 इंक्लूड हो सकता है, तो अगेन 7 6 5 4 3 2 1, यानी फैक्टोरियल 7. ऐसा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो ऐसा कितने टाइम होगा, तो 4 टाइम होगा. तो 7 इनटू इसका रिजल्ट है 7 इनटू फैक्टोरियल 7, तो ऐसा 4 टाइम हुआ तो 28 इनटू फैक्टोरियल 7, एक तरह से प्लस 8 भी करना है. तो आप इसको कैसे करेंगे, आप चाहें तो 28 को ऐसा भी लिख सकते हैं, 14 सॉरी 28 है ये, ठीक है, तो 28 इनटू फैक्टोरियल 7 प्लस 8 इनटू फैक्टोरियल 7, 8 फैक्टोरियल 7 कॉमन ले लें तो ये हो गया 36. तो करेक्ट आंसर होगा फैक्टोरियल 7 इनटू 36, राइट. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 24th क्या क्वेश्चन है, कैसे करेंगे समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन रिपीट भी है, ये क्वेश्चन जेईई में भी आया हुआ क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स, द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स एम कॉमा एन, एम कॉमा एन बिलोंग टू 1 2 अप टू 100 such that 7 पावर एम प्लस 7 पावर एन इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है. आपको ऑर्डर पेयर्स बताने कितने होंगे, द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर एम कॉमा एन डिविजिबल बाय 5. अब देखिए डिविजिबल बाय 5 के लिए एक सीधा सा लॉजिक है कि नंबर के जो सम है उसके यूनिट प्लेस पर 5 आना चाहिए. अब अगर हम 7 की थोड़ी लॉजिकल सीरीज पढ़ें तो 7 पावर 1 होता है 7, 7 पावर 2 होता है 49 का 9. ये मैंने आपको यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम में पढ़ाया हुआ है बहुत ही अच्छे से. 243 9 7 जा 63 तो 3 हो गया, 7 पावर 4 7 4 1, इसके बाद ये साइकिल रिपीट होती है. इसका मतलब अगर हम कॉम्बिनेशन वाइज समझें तो अगर पावर 24 वाली हुई या पावर 13 वाली हुई तो इसका सम 10, इसका सम भी 10, यानी 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे या तो 5 आना चाहिए 10, 5 आ ही नहीं सकता तो 10 की बात करेंगे. तो इसमें दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक ये 7 पावर 1 7 पावर 3, फिर इसमें 4 4 ऐड करते जाओ, ये ऐसे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. फिर कितना 9 और ये 11, यहां पर 7 पावर 2 7 पावर 4 7 पावर 6 7 पावर 8 7 पावर 10 7 पावर 12, ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं.
अब ध्यान दीजिए, 15 ऐसे कितने नंबर होंगे, ये 25, ये भी कितने होंगे 25, तो 25 × 25 = 625। बट ये 13 है, 57 है, तो इसका रिवर्स भी हो सकता है, तो × 2 यानी 1250 नंबर ये होंगे, सेम ऐसे ही 1250 ये होंगे, तो 2500। वैसे इसका आंसर आप याद रख लेंगे तो अच्छा होगा। ये पेपर में अब जैसे बाई चांस मैंने ये ले लिया, अब अभी मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, अब उनको छोड़ने का पर्पज़ क्या था वो भी समझिए। अभी ये जैसे ले लिया मैंने, पर अब करते हुए समझ में आया टाइम लग गया, ऐसे ही उन क्वेश्चन में भी लग सकता था। अब इस टाइम का जो लॉस हुआ वो हमारे कहीं ऐसा ना हो जो फेवरेबल क्वेश्चन है उनका टाइम कम कर दे, इसलिए अपने फेवरेबल क्वेश्चन आपके ना छूटें। और फेवरेबल मतलब वो क्वेश्चन जो आपको बनते हैं उन्हें मैं फेवरेबल क्वेश्चन बोलता हूँ, तो ये बात दिमाग में रख के चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है। 25 में बोला है ए बी सी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3px स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 1 = 0, देन द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ओके, इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड बताना, जिसके a कॉमा 1/a, b कॉमा 1/b, c कॉमा 1/c वर्टाइसेस हों। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये पूरा लिखा हुआ है, देखिए क्या करना है समझिएगा। सेंट्रॉइड होता है सम ऑफ एब्सिसा बाय 3, सम ऑफ ऑर्डिनेट बाय 3। यानी अगर मैं बोलूं कि x क्या होगा तो आप बोलते a प्लस b प्लस c बाय 3, और ऑर्डिनेट क्या होता तो आप बोलते 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बाय 3। अब इसकी ट्रिक देखिए, यहाँ पर इसके रूट्स हमें पहले से पता है, ए बी सी है, तो अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा तो आप बोलते माइनस बी बाय तो 3, राइट, आप बोलते कितना 3p, तो यहां पर क्या लिख देते 3p बाय 3, तो आ गया p, राइट, p आ गया। अब आप जरा ऑप्शन को देखिए, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है पी क्यू पी बाय 3 क्यू बाय 3 पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू 3p एंड 3q। इसका मतलब मैं यही कहें इसको लगा दूं। अब होता क्या है कि ऐसा नहीं कि हम दूसरा नहीं निकाल सकते, पर जिस स्टेप पे आपका आंसर आ जाए, अगर उस स्टेप पे रुकना सीख लिया, जिस स्टेप पे समझ में आ जाए क्वेश्चन लेंदी हो रहा है छोड़ देना सीख लिया, देख के समझ में आ जाए लेंदी है छोड़ दिया, चैलेंज नहीं लेना है क्वेश्चन के साथ, चैलेंज इस बात का लेना है कि हम अपने फेवरेबल क्वेश्चंस को करें, चैलेंज ये होता है, चैलेंज ये नहीं होता कि हम हर क्वेश्चन करें। अब यहां पर समझिए कि पी एक ही में है, यहीं के यहीं क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं इसको जोड़ने का जो टाइम एक्स्ट्रा लगाऊंगा, अभी मैं करता हूं आपके सामने, वो टाइम जो किल हुआ वो हमारे फेवरेबल क्वेश्चन को कम कर रहा। अब मैं अगर इसको बोलूं आपसे ऐड करो, तो इसका एलसीएम एबीसी आता, तो आप ऐसा बोलते बीसी एसी एबी, राइट, बाय दिस। अब ये जैसे सम ऑफ रूट्स है, सबसे पहले होता है सम ऑफ रूट्स, जिसमें एक एक कॉपिया लेते हैं, फिर लेते हैं दो दो के कॉम्बिनेशन, वो कितना होता है, वो वैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिस इक्वल टू 3q / 1। अब आप यहां लिखते कितना 3q / अच्छा ए बी सी क्या होता है, थर्ड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो होता है -1 और एक माइनस पहले से दिया तो 1, तो 3 × 1, 3 से 3 भी कैंसिल, तो क्यू आ गया। बट इसमें जो ओवरऑल टाइम मेरा लग गया एक मिनट, उसका क्या, ऐसे एक एक मिनट सेव करना, हर सेकंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात दिमाग में रख के करोगे अपने आप आपके स्कोर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 26 को देखें समझें तो क्या क्वेश्चन है बताइए। क्वेश्चन 26 में बोला है इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टचिंग द सर्कल x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2y² = 9 एंड द पैराबोला y² = 4x। नंबर वन, इस क्वेश्चन को मैं आपसे एक बोलूंगा, ऑप्शन से करें बेटर रहेगा। ऑप्शन कुछ इस तरह के, √3y = 3x + 1, √3y = -x बाहर है, ये सब पेपर में दिया हुआ है। अब लॉजिकली समझें तो इसमें एक्चुअल में कंसेप्ट ये है कि अगर मैं इसको ऑप्शन से देखूं तो इस क्वेश्चन का सेंटर है 3, 0 और रेडियस है 3,
जिस भी सर्कल पर ये परपेंडिकुलर डालो लेंथ मुझे 3 मिलना चाहिए, राइट अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ऑप्शन ए करेक्ट है, तो क्या होगा कि मैं इस पर अगर परपेंडिकुलर डालूँ, सबको एक तरफ ले लो, तो आप लिखते हैं 3 3 9 प्लस 1 माइनस 0 अपॉन रूट 9 प्लस 3। देखिए ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो ये रिजेक्ट हो गया है ना, क्योंकि ये रूट 12 हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम इस पे जाएं बी पर, तो बी ऑप्शन क्या, देखिए बी ऑप्शन है एक्स प्लस रूट 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर मैं इस पे 3 0 से परपेंडिकुलर डालूं तो 3 प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, 3 प्लस 3 अपॉन रूट 1 प्लस 3, राइट ये हो गया 6/2 यानी 3। ये हो सकता है राइट, पर क्योंकि आप अभी किससे कर रहे हो, ऑप्शन से, तो ऑप्शन से जब भी करो तो सारे ऑप्शंस को टटोल लो, क्योंकि हो सकता है कहीं ऐसा ना हम गलत कर गए। अब इस पे आए तो x माइनस रूट 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, अगर मैं इस पे भी परपेंडिकुलर डालूंगा तो सेम रिजल्ट आएगा। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि ये दो नहीं है, या तो ये है या ये है। इसके बाद अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये रिजल्ट सही है या ये रिजल्ट सही है, कोई एक सही है, तो अब मैं इसको अगर इस फॉर्म में लिखूं तो कुछ ही ऐसा है, वाई इक्वल टू माइनस 1/√3 एक्स माइनस रूट 3, और इसका रिजल्ट कुछ ऐसा है 1/√3 एक्स प्लस रूट 3। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ है, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसकी लाइन है तो c इक्वल टू होता है a/m। ठीक है, तो अगर मैं मान लूं कि ये रिजल्ट करेक्ट है तो माइनस रूट 3 इक्वल टू a, ए कितना पैराबोला का 1/m माइनस 1/√3, राइट ये ऊपर गया तो ये कितना मिल गया, ये मिल गया माइनस से माइनस कैंसिल रूट 3। इसको भी देखें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो क्या हो रहा है देखिए ध्यान से कि c की वैल्यू कितनी है रूट 3, सी की वैल्यू कितनी है रूट 3, ठीक है सी की वैल्यू है रूट 3, तो यहां पर देखिए सी की जगह आपने रखा रूट 3, ए कितना है 1/m, m जैसे ही करेंगे तो कितना जाएगा m 1/√3, दिस इज द राइट आंसर। यानी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप क्या क्या कर सकते हो। दूसरा इसका भी सी, इसका सी का वैल्यू होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो सॉरी सी इक्वल टू ए रूट 1/m2, इससे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसमें सी लूँ तो ये माइनस आएगा इधर प्लस, तो ये वाला नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यही एक आंसर है जो करेक्ट होगा। मैं जो कह रहा हूँ समझिए, सर्कल में कंडीशन होती है a√1/m2 की, उसमें कंडीशन होती है c इक्वल टू a/m की, तो अगर आप पूरी कंडीशन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस वन इज अ राइट आंसर। बाकी मेथड से करते तो क्या करते वो भी समझ लो आप, कि मेथड से करते तो सबसे पहले आप ये ले लेते कि इसकी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस a मतलब 1/m। अब एक तरह से इक्वेशन ऐसी आ गई एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इस सर्कल की टेंजेंट है। अगर हम अकॉर्डिंग टू मेथड जाएं तो ये सर्कल की टेंजेंट है। क्या होगा, कंफ्यूजन है इसलिए मैं आपको मेथड से भी समझा रहा हूँ, ये सर्कल की टेंजेंट है, तो इसके सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं 3 0 से तो वो रेडियस के इक्वल होना चाहिए, डाल दीजिए तो एम एक्स की जगह रखा 3, तो 3m2 प्लस 1 अपॉन रूट 1 सॉरी एम स्क्वायर प्लस एम 4 इक्वल टू 3, राइट। अब क्या हुआ देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3m2 प्लस 1 इक्वल टू 3 √, चाहो तो m बाहर भी निकाल सकते हो, m इंटू रूट 1/m2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, 3m की पावर 4, तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग करोगे तो 9m पावर 4 प्लस 6m2 प्लस 1 इक्वल टू 9m2 प्लस 9m पावर 4, 9m पावर 4 से 9m पावर 4 कैंसिल, देखिए कितना आ गया 3m2 इक्वल टू 1, यानी m इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो बस आप m की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर प्लस माइनस 1/√3, तो जैसे 1/√3 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का रखेंगे तो हो जाएगा
वाई इक्वल टू एम एक्स, एम कितना 1/√3 x प्लस रूट थ्री, ये आ गया, या वाई इक्वल टू माइनस 1/√3 x माइनस ऑफ रूट थ्री। तो कौन कौन से आंसर करेक्ट हो सकते हैं? मुझे लगता है मैंने शायद ऑप्शंस गलत लिख दिए, अदर इसीलिए ये दोनों ऑप्शन हर कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं, हर कंडीशन को। तो हो सकता है इसमें एक ऑप्शन कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने, वो माइनस एक्स प्लस थ्री होगा जो मुझे लगता है। तो एनीवे ये दो आंसर्स आ गए हमारे पास। अभी हमने देखिए मेथड भी सीख लिया, कई बार ऐसा भी होता है, इसीलिए वो जब हम उसको उससे कर रहे थे कॉन्सेप्ट से तो वो दोनों कर रहे थे क्योंकि एम की वैल्यू प्लस माइनस आ रही थी, तो इसलिए कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। तो अब आपको जो मैच करे, क्योंकि दो आंसर मैच नहीं करेंगे और दो मैच कर गए तो एग्जाम में क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसलिए अच्छा, जो हमने स्टैंडर्ड कंडीशन भी लिखी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाली, वो सेंटर जब 0-0 होता है उस समय यूज होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इस क्वेश्चन पे, आप ये ध्यान रख सकते हो, दोनों ही करेक्ट हैं। तो अगर दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो लीव दिस क्वेश्चन या कोई एक मार्क कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पे अगर हम आए तो 27 में बोला द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन मॉड एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स सॉरी माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब ये क्वेश्चन लिखा है, जैसे ही मॉड बेस क्वेश्चन आए तो मॉड क्वेश्चन को हमेशा याद रखिए कि आप प्लस माइनस के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब आप क्या करोगे, यहां पर पहली स्टेप ये लिखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू प्लस माइनस लगेगा मॉड एक्स इक्वल टू ए देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो एक बार प्लस ले ले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू, एक बार माइनस ले ले। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, सी कभी भी नेगेटिव हो तो पक्का है कि दो रूट्स मिलेंगे, दिख भी रहा है। तो x माइनस फोर एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो टू रूट्स हो गए 4 और माइनस टू। यहाँ पर आइए एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, तो x इक्वल टू प्लस माइनस टू, दो रूट यहाँ है बट एक रूट कॉमन हो गया, तो नंबर ऑफ रूट्स पूछे हैं तो नंबर ऑफ रूट्स हुए 3, 4 मत बोल दीजिएगा गलती से, तो नंबर ऑफ रूट्स हुए इधर पे 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन में बोला है, 28 क्वेश्चन में बोला है अ पेयर ऑफ अनबाइज डाइज इज रोल टूगेदर। और याद रखिए जैसे अभी जो सर्कल का 26 क्वेश्चन करा था, इसलिए मैं बोलता हूं आपको आप हर एंगल से तैयार हो जाओ। मैं ऑप्शन से कर रहा था, दो ऑप्शंस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, इसलिए तुरंत मेथड से करते हैं। यानी आप कंसेप्चुअली इतने स्ट्रांग हो कि आपको यह पता हो कि अगर बाई चांस ट्रिक से काम नहीं हो रहा तो आप उसको मेथड से जाके भी निकाल पाए, राइट? और मेथड से जाने पे थोड़ा टाइम लग रहा है, बाद में कर लें, ये सब चीजें डिसाइड करना है। आप देखिए 28 क्वेश्चन में बोला है अ पेयर ऑफ अनबाइज डाइज रोल टूगेदर टिल सम इज आइदर 5 or 7। सम बोला है 5 or 7, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 कम्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 कम बिफोर 7, इसका मतलब 5 जो है वो 7 से पहले आए। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी में जो हमने पढ़ा था कि ए एंड बी थ्रो अ कॉइन अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट हेड एंड विन द गेम, कि जब तक थ्रो कर रहे हैं जब तक कि हेड ना आ जाए या जो भी बोला है। अब यहाँ पर भी ऐसा है कि 5 और 7 की बात कर रहे हैं और बोला है 5 come before 7, तो इसका मतलब पहले अगर मैं बात करूँ 5 आने की, तो 5 आने की केस आपको चार्ट बनवाया 4/36 यानी 1/9, 7 आने की 6/36 यानी 1/6, 5 और 7 आने की इन दोनों को ऐड करो 10/36, ना आने की 26/36 यानी 13/18। अब समझना आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने थ्रो किया, वो बोलता है 5 आए 5, कब तक थ्रो कर रहा है जब तक 5 और 7 ना जाए, पर 5 कम बिफोर 7 मतलब 5 ही आने की बात कर रहा है, 7 की बात ही नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे करेंगे, आपने थ्रो किया 5 आ गया, पर सपोज थ्रो किया तो 5 नहीं आया तो 7 भी नहीं आना चाहिए, मतलब दोनों ही नहीं आना चाहिए, तो दोनों ना आए ये इसको हम क्यों बोल देते थोड़ी देर में। तो क्या होगा अगला केस, कि पहली बार में 5 नहीं आया इसलिए इसी में बढ़ता जाएगा, इसी में ये बढ़ता जाएगा, पहली बार थ्रो किया 5 आ गया, नहीं आया मान लो 5, तो क्या नहीं आना चाहिए, 5 और 7 भी नहीं आना चाहिए। यानी हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी 1/9, अब 5 नहीं आया तो 7 भी नहीं आना चाहिए यानी 13/18, और अब 5 आ गया,
फिर ऐसे ही ये चलता जाएगा कब तक, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट जीपी का समीशन ए अपॉन 1 माइनस आर, 1/9 अपॉन 5/18, देन 2/5 इज अ राइट आंसर। समझ लीजिए क्वेश्चन को एक बार, 5 कम बिफोर 7 मतलब अ क्वाइन इज थ्रो अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम डाइस बोला है, सॉरी अ पेयर ऑफ अनवाइज डाइस इज रोल्ड टुगेदर टिल, कब तक, जब तक सम 5 और 7 ना आ जाए। तो अब पूछा क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 कम बिफोर 7 यानी 5 7 के पहले आए, तो आपने थ्रो किया 5 आ गया, बात खत्म। नहीं आया 5 तो 7 भी नहीं आना चाहिए, ना 5 ना 7, और फिर 5 आ गया अगले में, ऐसा चलता जाएगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसके लिए बहुत ज़्यादा आगे तक लिखने जरूरत नहीं, इतने में आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 29। क्या क्वेश्चन है 29 समझें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हैं। 29 में बोला है अ लेटर इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द, ठीक है, एक स्टेटिस्टिक्स है, एक है असिस्टेंट, ठीक है, ए एस ठीक है। अब बोला अ लेटर इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द स्टेटिस्टिक्स एंड अनदर लेटर इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द असिस्टेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर सेम लेटर। सेम लेटर मतलब अगर यहां का एस आया है, ठीक है, ये एस खत्म करो, या हो सकता है यहां पर क्या आया हो, टी टी टी, कट करते चलो, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, आई आई, अब क्या बचा है, ए और सी, इसी ऑर्डर में यहां लिखिए, एस कितने बार, 3 बार, फिर टी 2 बार, फिर आई एक ही बार है, फिर ए 2 बार है, और फिर एन। अब आपको बोला है कि सेम लेटर, हो सकता है कि ऐसा आया हो, तो 3/3 6/8, 3/10, और वहाँ से ऐसा आया तो 3/3 + 2 5 6 8 9। तो अब एक बात बताइए, इसका एलसीएम तो बिल्कुल ही वही आएगा, कितना, 10 × 9, एक ही बार में लिख दें, तो S आए तो 3 × 3, T आए तो 3 × 2, I आए तो 2 × 1, A आए तो 1 × 2, C और N नहीं हो सकता, सेम लेटर बोला, बस खत्म। तो 9 + 6 + 2 + 2, ये हो गया 19/90। बिल्कुल छोटी छोटी स्टेप भी सेव करोगे तो आपको उसका फ़ायदा हमेशा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 क्वेश्चन क्या है देखिएगा और समझते हैं 30 क्वेश्चंस को। 30 क्वेश्चन में बोला है अ बैग कंटेन 6 रेड एंड 4 ग्रीन, ठीक है, बॉल, अ फेयर डाइस इज रोल एंड अ नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू द अपेयरिंग ऑन द डाइस चूजन फ्रॉम अन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल सिलेक्टेड आर रेड। क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब एक बैग है, मैं आपको बता देता हूं, पर इसको पहले राउंड में नहीं करना है, 6 राइट 4 ग्रीन बोली है और एक डाइस को थ्रो कर रहा है, जो डाइस पे नंबर आएगा उतनी बॉल निकालना है। मान लो डाइस पे 1 आया तो डाइस पे हर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती, पर उस केस में एक ही रेड बॉल निकालना है। डाइस पे मान लो 2 आया तो 2 की भी वही प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, इसलिए ये सेम रहेगा, बस यहां पर आपको ऐसा लिखना। अब इसको सॉल्व करने में ऑब्वियसली टाइम लग जाएगा, सजेशन है कि आप बिल्कुल बाद में ही करें, देन वो आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 31। देखिए 31 क्वेश्चन क्या है, 31 क्वेश्चन इस बार के जेई के पेपर का भी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके साथ जेई वाले क्वेश्चंस पेपर भी डिस्कस करता हूं, यही पर्पज है। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द वेक्टर्स क्या है, आई प्लस लैम्डा जे प्लस के, लैम्डा जे प्लस के, लैम्डा आई प्लस के इज मिनिमम। तो आपको पता है द वॉल्यूम मिनिमम बोला है, यानी इसका वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा लें, आई जे के, आई जे के, आई जे के, दिस शुड बी, इसको वैल्यू निकालो वॉल्यूम के लिए। तो जब आप इस 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, केवल लैम्डा मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, 0 के लिए 0, इसके लिए किया तो प्लस लैम्डा इनटू, बोलिए लैम्डा माइनस लैम्डा, मुझे लगता है इसमें कुछ डेटा इनकरेक्ट है, पर करने का तरीका यही होगा इसका, आपको यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगी और उससे आप इसकी मैक्सिमम मिनिमम बताएंगे, यानी आई लैम्डा जे प्लस के
नहीं, इसमें कुछ डेटा इनकरेक्ट है, अदरवाइज ये क्वेश्चन इस तरह का ही करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल यही करना है और कंफ्यूज मत होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। 32, अ सिक्स फेस डाइज इज बायस्ड वन, मतलब एक सिक्स फेस की डाइज है जो कि बायस्ड है, मतलब उस पर कुछ मार्किंग करी होगी आपने इसलिए। अब देखिए क्या बोला है, अ सिक्स फेस डाइज इज बायस्ड वन, इट इज थ्राइज मोर लाइकली टू टू इज इट इज थ्राइज मोर लाइकली टू टू एन ऑड नंबर देन टू टू एन इवन नंबर। इवन नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑड नंबर से थ्राइज है। आपको क्या बोला है क्वेश्चन में सुनिए, अ सिक्स फेस डाइज इज बायस्ड वन, इट इज थ्राइज मोर लाइकली टू शो एन ऑड नंबर देन टू शो एन इवन नंबर। इट इज थ्रोन ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर इज टू थ्रोन इज इवन। तो क्या हो जाएगा बताइए, इवन नंबर, अच्छा इवन की प्रोबेबिलिटी जो है और ऑड की प्रोबेबिलिटी, इसका सम तो वन होगा, पर अनबाइज्ड है, सॉरी बाइज्ड जो है डाइस है, इसका मतलब कुछ आपने उसको ऐसा किया है कि इवन नंबर के चांस ज्यादा है कंपेयर टू ऑड नंबर आने के। अच्छा इवन की जगह थ्री ऑड रख दिया तो ऑड की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4, इवन की हो गई 3/4। अब आपसे बोला है कि आपने इस डाइस को दो बार थ्रो किया तो नंबर का सम ऑड हो, नंबर का सम ऑड कब होगा, जब दोनों ही ऑड हो, सॉरी सम ऑफ द टू नंबर इज इवन, सॉरी इवन बोला है, तो इवन कब होगा नंबर, जब दोनों ही इवन हो या दोनों ही ऑड हो, दोनों ही इवन हो यानी 3/4 3/4, दोनों ही ऑड हो यानी 1/4 1/4 यानी 10/16, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 33 क्या क्वेश्चन है समझिएगा। 33 क्वेश्चन में बोला है, 33 क्वेश्चन में बोला है, अ लेटर इज नोन टू हैव कम फ्रॉम आइदर। मेरा ऑब्जेक्ट ही यही है कि आप कैसे, जैसे इसमें एक्चुअल में 40 क्वेश्चन आए, 30 प्लस कैसे करना सीखें, 50 वाले क्वेश्चन में 40 प्लस करना कैसे सीखें, फिर जब ये हो जाए देन गो फॉर रीजनिंग, रीजनिंग हो जाए, इंग्लिश हो जाए, फिर उसके बाद वापस इन क्वेश्चन पे आओ। इन क्वेश्चन में समझ में आ गया कि इनको कर सकते हो पर अकॉर्डिंग टू टाइम। देखिए क्या है, अ लेटर इज नोन टू हैव कम फ्रॉम आइदर टाटानगर और कैलकाटा, ठीक है, ऑन द एनवलप जस्ट टू कॉन्जुगेटिव लेटर आर विजिबल, और वो भी टी ए विजिबल है, द प्रायोरिटी दैट द लेटर कम फ्रॉम कैलकाटा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये बेस थ्योरम पे बेस्ड है। सबसे पहले तो टू लेटर विजिबल है और वो भी टी ए है, तो वो कैलकाटा से हो ये बताना। तो इसमें पहले सुनिए, टू लेटर विजिबल हो तो पेयर कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पेयर बनेंगे, 4 और 5 9 है तो 8 पेयर बनेंगे, राइट। एक पेयर ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी लेटर उससे कम। अब इसमें टी ए विजिबल है तो इसका होगा 2/8 यानी 1/4, इससे बोले तो टी ए एक ही बार है और लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 7 पेयर बनेंगे, तो इससे टी ए विजिबल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/7, क्यों 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर ये क्वेश्चन बेस थ्योरम कैसे बताई थी मैंने, ये हुआ होगा 1/4 1/7, कैलकाटा से हो तो कैलकाटा ऊपर आ जाएगा, टाटानगर से हो तो टाटानगर, तो 1/7 upon 7+4 11/7 × 4, राइट। 7 से 7 कैंसिल, 4 ऊपर आ गया तो 4/11 इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या क्वेश्चन है। अब देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस ढंग से हम पेपर को अटेम्प्ट करें कि स्कोर बढ़ा सके। अभी अब ये तो आज और भी पेपर है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक बार फिर से। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा ए है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बी है, एंड थीटा इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, यानी थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाय 2 दिया है आपको बोला, देन साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओके। यानी एक बात बताइए कि अल्फा प्लस थीटा बाय 2 है, सबसे सिंपल टेक्निक क्यों ना हम इसको सीडी लगा लें, तो ये होगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, यहाँ पे 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, सॉरी हाँ ठीक है,
ये हो जाएगा, सॉरी कॉस आएगा ना यहाँ, वही मैं सोचा था, इक्वल टू ए बाई बी, ये कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो ये कॉट हो जाएगा। यानी हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू बी बाई, क्योंकि ये कॉट है। अब आप एक बार बताइए अल्फा प्लस बीटा बाई टू कितना है, थीटा, यानी टेन थीटा की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन कितना ईजी हो गया, अगर आप इसे टेन के टर्म में लिख दें तो अपने आप ही आपसे क्वेश्चन हो गया। आप याद रखिए, मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पर आप इन स्टेप्स को बचाया करो। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप ध्यान रखिए नीचे तो सेम एलसीएम आएगा, तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 2 बी बाय ए प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यानी बेसिकली देखें तो आपको ऐसा मिलेगा, एलसीएम ए स्क्वायर ही आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसा भी लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं 35 क्वेश्चन पे। देखिए 35 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 35 क्वेश्चन में बोला है 1 प्लस टेन 1 डिग्री, 1 प्लस टेन 2 डिग्री, अप टू 1 प्लस टेन 45 डिग्री इक्वल टू 2 पावर एन, देन द वैल्यू ऑफ एन, ये पूछा है। अब सुनिए, यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज होगा, आपको जैसे पता है 1 प्लस टेन 45 कितना होता है, 2, यानी एक मतलब ये हुआ कि ये तो 2 होता है, और भी कोई फैक्टर होते हैं, जैसे इसमें हमेशा फर्स्ट और लास्ट ही होते हैं, 1 प्लस टेन, मान लो मैं 44 को देखूँ तो ये मिला के भी 2 होता है। कैसे, आप चाहें तो 10 45 को ये एक बार कंसेप्ट बना लीजिए, आगे तक काम आएंगे। 44 प्लस 1 लिख सकते हैं, देखिए ये 1 हो गया, इसको ओपन करिए, 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 माइनस 10 1 10 44 इक्वल टू 10 1 प्लस 10 44, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि इनको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा बताइए, इनको अगर मैं इसको सॉरी इधर ले गया तो ऐसा मिलेगा 1 इक्वल टू 10 1 10 44 प्लस 10 1 प्लस 10 44। आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता तो 1 10 1 10 44 प्लस 10 1 इंटू 10 44 आता, राइट। इसका मतलब ये तो है 1 नहीं है, तो अगर 1 यहाँ पे भी ऐड कर दो और 1 यहाँ पे भी ऐड कर दो तो ये हो गया 2, यानी हर एक 2-2 पेयर मिलके 2 बनेंगे, तो टोटल 45 पेयर थे, 45 में एक पेयर हटा दिया 2, बचे 44, 44 के हाफ कर दो 22, यानी 22 ये मिलेंगे 2 की पावर 22 और एक ये मिल गया, तो 2 की पावर 22 इंटू 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर 23 इज अ राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 36 क्या क्वेश्चन है समझिएगा, और इसको भी आप इजीली हैंडल कर सकते थे, केवल एंगल की वैल्यू रखनी है। क्वेश्चन है साइन 12, साइन 48 एंड साइन 54, राइट। चाहो तो आप एक काम कर सकते थे, साइन 12, साइन 48 और साइन 54 को कॉस 36 भी लिख सकते थे, देखिए 60, यस। और इसको आप चाहें तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज कर लें, तो 1 बाय 2 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी, वो सॉरी ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब देखिए सिंपल हो गया, कॉस 36 की वैल्यू पता है आपको और कॉस 60 की भी वैल्यू पता है, वो रख के सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37 रूट 5 माइनस 1 बाय 4 रख के सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1 बाय 2 क्या होगा बोलो, रूट 5 माइनस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 2, कॉस 36 रूट 5 माइनस 1 बाय 4, अब कितना होगा, सॉरी रूट 5 प्लस 1 बाय 4, ये ऐसा है, तो 1 बाय 2 ऐसे ही रहने दें, यह जाएगा रूट 5 माइनस 4 2, तो माइनस 1 अपॉन 4 इंटू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, ये कितना हो जाएगा, ये एक मिनट, ये रूट 5 माइनस 1 ही होता है, और ये
कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये हो गया रूट फाइव प्लस वन, हाँ सॉरी ये सही लिखा था मैंने, रूट ये माइनस था और ये प्लस है। अब क्या हो गया यहाँ पर बताइए, ये इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो वन बाई टू ऐसे ही रन दें, फाइव माइनस वन अपॉन फोर इंटू फोर यानी वन बाई एट, राइट। अब ऑप्शन में देखो आप, तो जैसे ऑप्शन दिया है साइन क्यूब 30 डिग्री, तो 1 बाय 2 का क्यूब 1 बाय 8 होता है, दिस इज द राइट आंसर। याद रखिएगा कॉस 36 की वैल्यू रूट 5 प्लस 1 बाय 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट 4 पॉइंट विद पोजिशन वैक्टर्स आर कोप्लेनर। अब 4 पॉइंट दिए हैं, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखिए एक पॉइंट है ए 3i माइनस 2j प्लस लैम्डा के, बी दिया है 6i प्लस 3j प्लस k, सी दिया है 5i प्लस 7j प्लस 3k एंड डी दिया है 2i प्लस 2j प्लस 6k। अगर ये कोप्लानर हैं तो आपको पता है इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी ए बी बी सी और सी ए, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट से जा सकते हो, ज़्यादा अच्छा है। ये ए बी सी ये कितना होना चाहिए, जीरो। तो अब आपको फोर पॉइंट दिए हैं तो आप वेक्टर निकाल लो, जैसे कोई भी एक पॉइंट ले लो बी ए बी सी और बी डी, इसका आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो करोगे तो लैम्डा मिल जाएगा, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन 38 देखें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजीली कर लेंगे। 39 में जरूर थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि वो वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन सब नहीं आते, पर आप इसको देख सकते थे। तो 38 क्वेश्चन को देखो क्या करेंगे हम, 38 क्वेश्चन को अगर हम समझें तो 38 क्वेश्चन में बोला लेट ए वेक्टर इक्वल टू, राइट। अब देखो जैसे मुझे दिख रहा है 40 ज्यादा इजी है, पहले 40 कर लो फिर 38 पे आते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, फिर इसके बाद रीजनिंग और फिर इसके बाद इन बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको अपने आप बन जाएगा। यानी हमने 6, 7, 8 क्वेश्चन के आसपास छोड़े होंगे, जो मैंने आपसे बोला था कि 40 में भी 30 प्लस ढूंढ लो, यानी टफ पेपर में भी इजी क्वेश्चन ढूंढ लिए तो स्कोर अपने आप बन जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये दिया है 3, ये दिया है 5, ये दिया है 7, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी पूछा तो सिंपल ए और बी को यहीं छोड़ के क्या करते हैं, ये कई बार करा हुआ, सी को ले जाए स्क्वायरिंग करते हैं, वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है, ये आ गया। तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर मतलब 49, राइट। ये कितना हो गया, ये हो गया 34, तो 2 मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी भी रख दो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 15, देन कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय 2, देन थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, राइट। अब देखो आप 38 क्वेश्चन को करना चाहो कर सकते हो, क्या क्वेश्चन है समझिएगा। लेट ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस j, पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप जितने भी क्वेश्चन है टाइम कंज्यूमिंग है, पहले अब आप बचा हुआ पेपर करोगे फिर इन क्वेश्चंस को सोचोगे। बी इफ c इज अ वेक्टर सच दैट ए डॉट c का मतलब दिया है मॉड ऑफ c, ठीक है, अच्छा ये दिया है मॉड ऑफ c माइनस a इक्वल टू 2√2 एंड द एंगल बिटवीन a क्रॉस b एंड c इज 30 डिग्री, तो आपसे पूछा है a क्रॉस b क्रॉस c का मॉड किसके इक्वल होगा। अब देखिए यहां पर इनका एंगल दिया हुआ है कितना है 30 डिग्री, अगर मैं अलग से समझूं तो a क्रॉस b तो यहां से निकाल सकता हूं, बाकी अलग से अगर मैं समझूं तो देखिए क्या आएगा, a इसको मैं अगर कर रहा होता तो ये आता मॉड ऑफ a क्रॉस b मॉड ऑफ c इन टू साइन 30, ये एंड कैप तो बन हो जाता। अब ए क्रॉस बी कहां से निकलेगा, ए क्रॉस बी यहां से निकलेगा आई प्लस जे प्लस जीरो के, कितना हो जाएगा बोलिए 2i, ये हो गया 2i माइनस 2j प्लस k के साथ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2 माइनस 1 1।
अब अगर मैं इसका बोलूं मॉड ले लो तो मॉड हो गया ए क्रॉस बी का 3, राइट अच्छा यहां से मॉड सी हमें मिलेगा ए डॉट सी से, कैसे इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए, मॉड सी का स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट सी इक्वल टू 4 × 2 = 8। अब राइट ये हो गया, अब मॉड ए स्क्वायर कितना दिया है, मॉड ए भी 3 है तो यहां रख दीजिए, और इसकी जगह रख देंगे मॉड सी का स्क्वायर प्लस ये हो गया 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 2 मॉड सी इक्वल टू 8, यानी ऐसा भी बोल सकते हैं मॉड सी स्क्वायर माइनस 2 मॉड सी प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी मॉड सी इक्वल टू 1। तो हो गया क्वेश्चन, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 3, ये हो गया 1 और ये 1/2, देन आंसर विल बी 3/2। पर कई बार ऐसे इस तरह से क्वेश्चन में टाइम लगता है, तो ये ध्यान रखना आपको इस बात का कि जो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है उनको आप बाद में ही करें, और फिर उसके बाद, और बाद में भी मतलब पहले, अब इसके बाद जैसे अब आपने 30 प्लस कर लिया, अब ये 40 वाला पेपर था, 50 वाला होता मैं श्योर हूँ 40 प्लस करते, और ये तो उस समय का पेपर जो टफ था, अभी तो जितने पेपर देखे हम 2013 के बाद पेपर का लेवल बहुत कम हो गया है, क्योंकि किसी का भी चाहे IIT का हो चाहे NTA का, तो हम 40 प्लस इजीली कर सकते हैं, 40-45 देन उसके बाद रीजनिंग पे मूव करें, हर सेक्शन करना जरूरी है, उसी के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब जो क्वेश्चन छोड़े हैं हम उन पे आते हैं और उन क्वेश्चन को समझते हैं क्या करना है।